गुड सबसे पहले तो आप लोगों को कोर्स के वीडियोस देखने को मिल रहे हैं, एक्सेस हो रहा है आराम से, कोई परेशानी तो नहीं है? हाँ जी सर, मिल रहे हैं। आप लोगों को, सब लोगों को जैसे ही फॉर्म सबमिट किया सेम टाइम में एक मेल आएगा, उस मेल में वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, वहां पर जाने के बाद आपके सारे वीडियोस प्ले हो जाएंगे और वही आपको पूरा कोर्स वहीं पे मिलेगा। नॉर्मली जो क्लास में पढ़ाया जाता है वो वीडियोस बाहर शेयर नहीं किए जाते, बाहर तो सिर्फ थोड़े बहुत कंटेंट का ट्रेलर जैसा होता है वही दिया जाता है। आप लोग म्यूट कर लीजिए अगर जरूरत नहीं है बोलने की, तो कुछ पूछना होगा तो फिर आप ऑडियो ऑन कर लीजिएगा। ये पूरा लाइव क्लास का वीडियो है जिसमें कुछ भी आप लोगों से छुपाया नहीं है। क्लास के वीडियोस में आमतौर से सब कुछ नहीं दिया जाता, कुछ ना कुछ काट के जरूर देते हैं, असली चीज छुपा के देते हैं, जिससे कि आपका, अगर हम वीडियो ही में अगर कोर्स पूरा करा देंगे तो फिर हमारा क्या फायदा होगा। ये क्लास मैंने आज से कुछ साल पहले करी थी, उसके वीडियोस मेरे पास थे और मैं अब जो है ये वाला वास्तु पिछले कुछ समय से सिखा नहीं रहा हूँ। बाकी सब्जेक्ट से टाइम नहीं मिलता, मैं कई सारे सब्जेक्ट सिखाता हूँ तो उससे टाइम नहीं मिलता, इस वजह से ये वाला सब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल ही मेरा छूट गया। तो बैठे बैठे एक आइडिया आया कि क्यों ना इसको जो लोग सच में सीखना चाहते हैं उन लोगों के साथ शेयर किए। तो मेरे ही किसी साथी ने मुझे सजेस्ट किया कि सर इतना अच्छा सब्जेक्ट है और अच्छे से पढ़ाया है तो क्यों ना इसको आप ओपन कर दो। ओपन करने में दिक्कत थी कि एकदम ओपन नहीं किया जा सकता, तो मैंने उसके लिए एक क्राइटेरिया बनाया कि जिसको जरूरत है वो मेरे तक पहुंचे तो मैं उसको ये फ्री ऑफ चार्ज दूंगा। उसमें कोई चार्जेस नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, आपसे कुछ भी मैं ले नहीं रहा हूं। आज का जो सेशन है ये भी मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री है। जिन लोगों ने वीडियोस देखे हैं और उनको नहीं कुछ समझ में आ रहा तो वो लोग मेरे साथ यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखिएगा, जिसने वीडियोस नहीं देखे हैं वो प्रश्न करेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि समझ में नहीं आया, इसलिए वीडियोस को अच्छे से देख लीजिए। और मैं कोशिश करूंगा कि ये सेशन जो है अगले हफ्ते भी मैं कर सकूं, तब तक आप लोग अच्छे से वीडियो देख भी लोगे, आप लोगों के प्रश्न भी आपके मन में तैयार हो जाएंगे, उसको नोट कर लीजिए कहीं पे और फिर मेरे से प्रश्न कीजिए, मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करूंगा। लेकिन बिना देखे ऐसे ही प्रश्न करेंगे तो आप अपना और मेरा दोनों का समय खराब करें, वो नहीं करना। मैं चाहता हूं आप लोग सीखे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि वीडियोस को जरूर देखें। जब आप देख लेंगे, समझ लेंगे, कोई चीज नहीं समझ में आएगी तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। व्हाट्सएप पे एक एक को इंडिविजुअली उनकी क्वेरीज को सॉर्ट करना, उनको अटेंड करना, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता। जब होता है तो मैं थोड़ा बहुत कर देता हूँ लेकिन ज्यादातर ये नहीं हो पाता। तो व्हाट्सएप पे अलग अलग क्वेरी नहीं करें, उसका कोई फायदा नहीं, मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास इतना समय नहीं है। इसीलिए ये सेशन रखा है कि एक घंटा आप लोगों का है, आप लोगों ने जो अपने मन में कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो, कुछ भी आपको पूछना हो वो आप यहाँ पे आके लाइव इंटरेक्शन में आप पूछ सकते हैं। लेकिन पूछने का फायदा तभी है जब आपने वो वीडियो देखी हो, है ना? किस किस ने वीडियोस देख लिए हैं अच्छे से? सुरेश जी हैं और आप लोग अनम्यूट कर सकते हो, मैंने अलाउ कर दिया, अनम्यूट करके फिर बंद कर, शोर मचता है तो वो सबकी नॉइस हो जाती है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर मैंने मुझे एक क्वेरी थी। आपने कहाँ से हैं? आई एम मृदुल ताम्रकर फ्रॉम इंदौर। कैमरा ऑन करिए। कैमरा। मैंने कल ही आपके वीडियोस एक्सेस किए थे और स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस ही देखे, तो एक क्वेरी थी मुझे कि आपने 257 यानी 2 इयर्स
5 इयर्स एंड 7 इयर्स वाला जो कॉन्सेप्ट बताया, तो आई वांट टू क्लियर दिस एग्जैक्टली, बिकॉज मुझे शायद उतने अच्छे से क्लियरिटी नहीं है इसके लिए, तो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? इवेंट होने के बारे में बताया है ना? हाँ जी, हाँ जी। कोई भी वास्तु की जो घटना होती है, जब भी आप किसी नई प्रॉपर्टी में आते हो, वहां का वास्तु आपके ऊपर जो असर करना शुरू करता है, तो उसको असर होने में 2 साल लगते हैं जी। ठीक है, पहले 2 साल में आपका जो पिछला वाले घर का एनर्जी फील्ड है वो धीरे धीरे करके आपसे अलग होता है और नए वाले घर के एनर्जी फील्ड से आप कनेक्ट होते हो। ये प्रोसेस 2 साल में कंप्लीट होता है। तो जिस नए घर में या जिस नए प्रमाइसेस में आप आए हो, उसका जो पहला असर है वो 2 साल के बाद, मतलब 25वें महीने में आपको देखने को मिलेगा। जी। कुछ वास्तु दोष ऐसे होते हैं जो घर के शेप के ऊपर डिपेंड होते हैं। म्यूट कर लीजिए प्लीज नॉइस सारी चीजें। जी। कुछ वास्तु दोष ऐसे होते हैं जो बिल्कुल घर में क्लियर दिखते हैं कि इस घर में आने वाले के साथ ये घटना तो होगी ही होगी। वो घटना कब होगी? जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक जिस मार्केट में मेरा ऑफिस है, हमारे मार्केट में ही आगे एक शॉप है, प्रोडक्ट का शोरूम है, उसके यहाँ पे चोरी हुई और बहुत मेजर चोरी हुई। उसकी सारी जिंदगी की कमाई उसमें चली, क्योंकि कैमरास बहुत महंगे महंगे होते हैं, 50-50 हजार रुपए का एक कैमरा होता है, और काफी सारे, क्योंकि कैमरे का ही उसका काम था, और इक्विपमेंट्स बहुत महंगे महंगे होते हैं फोटोग्राफी के, और बहुत स्टैंडर्ड का काम वो करता था। उसके वो इक्विपमेंट्स कैमरास रातों रात सारे चोरी हो। तो मैं छोटे भाई की तरह है, दोस्त है, जब मिलते हैं राम राम करते हैं, तो मैंने उससे पूछा कि कितने साल हो गए दुकान का है, क्योंकि उसकी दुकान में कुछ एक सिम्टम थे वास्तु के दोष के, उसके हिसाब से वो चोरी बनती थी, चोरी नहीं बनती थी, असल में झटका लगेगा जिंदगी में, एक ये कंफर्मेशन थी। अब वो कैसे भी लगे, फाइनेंशियल झटका सबसे बुरा झटका होता है, दो ही झटके इंसान झेल नहीं पाते, एक फाइनेंशियल और एक हेल्थ। तो 7वें साल में उसके यहाँ पे वो मेजर चोरी हुई। तो मैंने उसको बोला, याद कर जब 2 साल हुए थे इस दुकान को, तब भी तेरे यहाँ चोरी हुई थी क्या? उसने बोला हाँ हुई थी। एक मेरे यहाँ लड़का काम करता था, उसको भेजा साइट पे काम करने के लिए, उसके पास 3 कैमरास थे, वो तीनों कैमरास लेके वो भागे। अब 3 कैमरा और इक्विपमेंट्स का हम जो मतलब समझते हैं पता नहीं, लेकिन उसके हिसाब से सारा सामान जो था जो लेके भागा वो करीब 6-7 लाख रुपए। तो 6-7 लाख रुपए का झटका उसको लगा, जैसे ही उसका 24वां महीना कंप्लीट हुआ, 25th मंथ में उसने एंटर, पहला झटका तब लगेगा, दूसरा 7वें वर्ष के शुरू में लगेगा जब 7th ईयर आपका शुरू होगा, तीसरा लगेगा जब 15 साल में, और चौथा लगेगा जब 21 साल में। 21 साल में वो घर और आपका खून एक हो जाता, मतलब DNA मैच कर जाता, जैसा घर होता है वो अपने पूरे फल, अच्छे या बुरे जो भी हैं, वो अपने पूरे फल 21वें साल में आके दे दो। इसके बाद उस घर में सुधार बहुत मुश्किल होता है। आप देखोगे कि जो बहुत पुराने घर हैं, जहां पे लोग 20-25 साल से रह रहे हैं, उन घरों में कहीं ना कहीं रहने वालों की स्टैग्नेशन आ जाएगी, जीवन की ग्रोथ कहीं ना कहीं रुक जाएगी, कुछ तो ऐसा जरूर हो, और जिसकी किस्मत में ग्रोथ लिखी है वो उस मकान को छोड़ के निकल जाए, वो वहां पे कंटिन्यू नहीं है। मान लीजिए जो रहने वाला बच्चा है उसकी किस्मत अच्छी है, उसकी किस्मत में स्टैग्नेशन नहीं है, तो वो उस घर में रहेगा नहीं, कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई कारण बन जाएगा जिससे वो उस घर से निकल जाए। जब निकल जाएगा तो फिर कहानी बदल जाएगी। सर क्या ये सेम चीज अगर हम वास्तु रेमेडीज करते हैं, सपोज मैंने वास्तु लर्न कर दिया किसी वास्तुविद से, अपने घर को पूरा बैलेंस करवाया, तो क्या उसमें भी ये सेम चीज इम्प्लीमेंट होगी 2 इयर्स 7 इयर्स एंड आफ्टर? ये बैलेंसिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो
वो इनिशियल स्टेज की चीज है। अच्छा, ये अपने आप में कंप्लीट नहीं हो सकता। अच्छा, ओके। तो बैलेंसिंग का फॉर्मूला इतना ज्यादा काम नहीं करता। मैंने वीडियोस में, जिसने देखा होगा, मैंने वीडियोस में बार बार ये बोला है कि जो आप सीख रहे हो ये इनिशियल है जी। इससे आप एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं बन जाओगे, लेकिन सीखना कहीं ना कहीं से तो शुरू करना होता है ना जी। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि मैंने जब वो सिखाना शुरू किया तो मेरे जो बच्चे थे उन्होंने कहा सर और आगे और आगे, तो मैं आगे के सब्जेक्ट्स उनको कंटिन्यू करता गया। वही बच्चे हैं जो आज तक चल रहे, 3 साल से कोई मेरे साथ लगातार पढ़ी रहे, कोई 4 साल से पढ़ रहा है, कोई 5 साल से पढ़ रहा है, बैच में वो कहीं ना कहीं आते जाते रहे, नए भी जुड़ते रहते हैं, पुराना भी जुड़ते रहते हैं। तो होता क्या है कि आप नए सब्जेक्ट्स में जब आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं पुराने सब्जेक्ट जो आप पहले पढ़ाते थे वो छूट गए। मेरे साथ ये हुआ, तो ये वाला वास्तु इसीलिए मेरे से छूट गया। ओके। बहुत दिनों बाद मुझे याद आया कि यार ये वीडियोस पड़े हैं मेरे लिए, तो चलो किसी के काम आ जाए, तो मैंने इसको आप लोगों के साथ शेयर करना शुरू किया। इसी बहाने मेरा भी रिवीजन हो जाएगा, मैं रिकनेक्ट हो जाऊंगा पढ़ाना। तो आज भी लोग इस कोर्स को, जो वीडियो आपको लोगों को मैंने दिए हैं, यही कोर्स आजकल लोग अभी भी 25,000 से लेकर 1,25,000 रुपए तक यही कोर्स करा रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ जो कंटेंट उसमें मैंने दिए हैं आपको 1,25,000 वाली क्लास में भी शायद ना मिले जी। इतना कंटेंट मैंने उसमें दिया है। जिन लोगों ने उसको सीरियसली लिया, पढ़ा, समझा, तो उनको तो फायदा है जी। तो लोग नहीं सीरियसली पढ़ रहे, समझ रहे, उनके लिए वही है मुफ्त की चीज होती है, तो उसकी रिस्पेक्ट होती नहीं, तो नहीं होती। तो मैं मेरा काम था देना, मैंने दे दिया, है ना। तो जो सीरियस है वो आएगा, सीखेगा, पढ़ेगा, मैं उसके लिए बैठा हूँ मदद करने के लिए। बाकियों का तो हो सकता है किसी के पास एंगेजमेंट की दिक्कत रहेगी। एस्ट्रो वास्तु इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वास्तु वास्तु, बिना उसके कंप्लीट नहीं होता। ओके। तो सर आप एस्ट्रो वास्तु के कोर्सेज करवा रहे हैं और वास्तु फिलहाल नहीं करवा रहे हैं? ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सवाल ऐसे ही होने चाहिए जिससे अपना भी कुछ सॉल्व हो और बाकियों को भी कुछ समझ में। बहुत अच्छा, अच्छा किया आपने ये पूछा, इसका मतलब आपने वाकई वीडियो देखा है। जी, थैंक यू सो मच सर। प्रॉपर नोट्स बनाने लायक हैं, इसलिए मैं आपके वीडियोस देख के पॉज कर कर के राइटिंग कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो रहा है। घंटों लगेंगे, घंटों नहीं हफ्तों लगेंगे, अगर आपने कंटेंट ढंग से नोट किया ना तो आपको महीना भी लग जाएगा, इतना कंटेंट है उसमें। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और मैंने सिर्फ ट्रैक पे नहीं रहा कि भाई वास्तु है तो और कुछ नहीं बताना, वास्तु के अलावा भी मैंने बहुत कुछ बताया। जी सर, जी। आपका जो फोन का मोबाइल पे जो आपका वॉलपेपर होता है वो भी वास्तु का पार्ट है। लोग उसको डिजिटल वास्तु करके बेच सकते हैं, लेकिन मैंने उसको भी पढ़ाया उसको। जी सर। आपके फोन के वॉलपेपर में कौन सा स्क्रीन पे क्या लगा हुआ है उससे आपका बहुत कुछ डिपेंड करता है, मैंने वो भी उसमें बताया है। आप आगे सीखोगे उसमें, जब आगे के वीडियो आएंगे शायद वहां तक आप पहुंचे नहीं, तो वो भी आपको सीखने समझने को मिलेगा। जी सर। और किसी का कोई प्रश्न? सर नमस्ते। नमस्ते जी सर, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? गुड इवनिंग सर, बहुत बढ़िया, आप बताओ तेजस जी। सर मैं डॉक्टर तेजस भट्ट हूँ, गोवा जी। जो मैंने सर वो मेरे मोबाइल से किया है, बट यू आर एनरोल और कुछ मुझे मेल वगैरह कुछ नहीं आ रहे हैं। सर मेल उसी टाइम आया हूँ, जिन लोगों को भी, मैं एक एक का आंसर नहीं कर सकता, मैं पहले भी ग्रुप में डाल चुका हूँ, फिर वो जिस मिनट में आपने मेल अपना वो फॉर्म जमा किया है, सेम उसी मिनट में, 1 मिनट के अंदर अंदर आपको मेल मिला होगा। कुछ लोगों की ईमेल आईडी उन्होंने गलत टाइप की है जिसकी वजह से उनका मेल बाउंस हुआ और वो दोबारा नहीं शुरू हो सकता क्योंकि वो ऑटोमेटेड सिस्टम में। आपको वही फॉर्म दोबारा किसी और ईमेल आईडी से भरना पड़ेगा, उस ईमेल आईडी पे आपको मिलेगा। मैं भी उसको कुछ खास नहीं करता क्योंकि इंडिविजुअल एक एक को केयर करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। नहीं, सवाल वो नहीं है सर, आपकी बात भी सही है कि इतने लोगों को आप कैसे करोगे, बट वो जो मेल आईडी है ना उस पे बाकी के मैसेज आ रहे हैं,
सर वो मुझे नहीं पता, आपने टाइपिंग में एरर करी होगी, वो मुझे नहीं पता, मैं एटिक का नहीं चेक कर सकता, आपको खुद ही देखना। मैंने आपको रास्ता बता दिया, अगर उससे नहीं आया तो आप किसी दूसरी ईमेल आईडी से फॉर्म को रिसबमिट, ठीक है ना, वो आ जाएगी, क्योंकि ये ऑटोमेटेड सिस्टम है, मेरा हाथ में कुछ नहीं। आप जिस मिनट में अपना डेटा डालते हो विद इन अ मिनट उसका मेल आपके पास आपके मेल बॉक्स में चला जाए। जो लोग बाकी हैं वो सब अगर यही प्रश्न उनका है तो वो समझ लें, एक ही प्रश्न को सब अलग अलग करेंगे तो टाइम बच जाएगा, कुछ अच्छा सीख लेते हैं, है ना। राम सर, राम राम जी, कौन बोल रहे सर? दीपिका। हाँ जी दीपिका, क्या हाल? बढ़िया। आपने भी देखी वीडियोस? नहीं सर, नहीं देखी, अभी देखूंगी। हाँ जी सर, आप लोगों को तो ये सब एस्ट्रो वास्तु और पता नहीं क्या क्या कर चुके हैं ये बच्चे, मेरे से बड़े बड़े भी हैं लेकिन कहते हैं कि बच्चे। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न इस कोर्स के रिलेटेड?